दोस्तों सज्जन न्यू हॉलैंड की तरफ से सभी किसान भाइयों को राम राम। ये भाई न्यू हॉलैंड का 110 एचपी के अंदर ये ट्रैक्टर वर्क मास्टर जो कि नई सीरीज है, और ये ट्रैक्टर यूरो 6 के अंदर ये ट्रैक्टर आता है, और पहला ट्रैक्टर ये 9000 ट्रैक्टर जज्जर पर पहुंच चुका है। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो जो फीचर दिए गए हैं, जो जो इसके अंदर फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि आज के दिन जो नए नए इम्प्लीमेंट आ रहे हैं, जो बड़े बड़े इम्प्लीमेंट आ रहे हैं, उन इम्प्लीमेंटों को देखते हुए इसको ट्रैक्टर के अंदर वो सभी फीचर दिए गए हैं। किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी कार्य में इस ट्रैक्टर को चलाएं और देखें, एक बार दिखा दे ट्रैक्टर को, जो भी मोटी मोटी जानकारी है ये ट्रैक्टर इसके अंदर क्या क्या फीचर दिए गए हैं, किस साइज़ के टायर दिए गए हैं। और 110 एचपी के अंदर ये न्यू हॉलैंड का पहला ट्रैक्टर है जज्जर डिस्ट्रिक्ट में। अदर कंपनी का कोई नहीं आया होगा, ना किसी डीलर ने मंगाया होगा, ना कोई डिलीवरी दी होगी। तो ये ट्रैक्टर 9000 ट्रैक्टर जज्जर पर पहुंच चुका है। जो भी किसान भाई देखना चाहे वो देख सकते हैं, और जो किसान भाई ने ये ट्रैक्टर मंगाया है उसकी वीडियो भी बना कर डालेंगे इसी चैनल पर, और किस किसान ने किस पर्पज़ से और किस कार्य में यूज़ करेंगे वो किसान भाई बताऊंगे। जो डिलीवरी होगी वो 9000 ट्रैक्टर जज्जर से जब उस टाइम किसान के साथ भी रूबरू होंगे। तो जुड़े रहने के लिए, जो भी किसान भाई चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की जो भी फीडबैक होगी वह डिलीवरी होगी वो भी आपको समय समय पर दिखाई दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट से। ट्रैक्टर के अंदर 8 प्लेटें दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेटें दी गई हैं। 40 केजी के अंदर ये प्लेटें हैं, और जो फ्रंट टायर है वो इसके अंदर 12 4 24 का फ्रंट टायर दिया गया है, और जो रियर टायर है वो 18 9 30 का, 18 4 30 का। और जो रियर वेट दिए गए हैं 50 50 केजी के, दो दो प्लेटें इसके अंदर दिए गई हैं। और जो देखें तो इसको जो डीजल टैंक है वो नीचे दिया गया है, और यूरो 6 में जो आना है वो एक नई चीज़, जो हाईवा वगैरह में आपने दिखाई दे हैं कि यूरिया डलता है, तो वो फीचर भी इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है। इसमें डीजल के साथ यूरिया का अलग से टैंक दिया गया है, और वो कितनी चलने के बाद या कितने तेल की कैपेसिटी के बाद डलेगा वो भी दिखाई देगा। और प्लेटफार्म देखें तो बिल्कुल ही फ्लैट प्लेटफार्म दिया गया है, और इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो मेड इन इटली इंजन दिया गया है ट्रैक्टर के अंदर, वो भी दिखाएंगे। और एक बार फोरमैन बताएगा इसके बारे में जो जो फीचर दिए गए हैं। तो मेड इन इटली ये ट्रैक्टर है, पूरा कवर्ड ट्रैक्टर है, और स्टेट प्लेटफार्म, इट गार्ड वगैरह सभी फीचर इसके अंदर दिए गए हैं। जो पीछे देखें तो डबल ऑक्सिलरी वाल आती है, लेकिन इसके अंदर 6 ऑक्सिलरी वाल दी गई है। डबल जैक दिया गया है जो कि लिफ्ट कैपेसिटी को बढ़ाता है, जो भी वेट वगैरह का कार्य होता है उसमें ये एक्स्ट्रा पावर देगा। कवर्ड दिया गया है पीटीओ पावर का इसके अंदर। जो लेफ्ट की जो लिंक दी गई है ये इस तरह से, यदि किसी कार्य में जाओ तो और भी ये बढ़ जाए हैं। लॉक दिया गया है इसके अंदर, तो वो सभी फीचर इसके अंदर है। किसी भी फील्ड में किसी भी कार्य में इस ट्रैक्टर को कमर्शियल वगैरह सभी चीज़ों में फिट बैठा जो। और जो इसकी छतरी का जो कलर दिया गया है वो नीला नीला कलर दिया गया है। अपने ये रूबी पहलवान जी डेमोस्ट्रेटर टेस्टिंग ली है ट्रैक्टर को, देखा है, एडजस्टेबल स्टेयरिंग दिया गया इसके अंदर। ये देखें रोल्स रॉय है ट्रैक्टर नाम भाई साहब, ट्रैक्टर में रोल्स रॉय का नाम दिया है फीचर है सर। अपने जो रोल्स रॉय गाड़ी में जो फीचर दिए गए हैं
इसी तरह इस ट्रैक्टर के अंदर भी इसी तरह के फीचर दिए गए। एक बार ये मीटर वगैरह इसका दिखा दिए, बोलो मेरा भी देखो। बताओ का भाई के बारे में, सारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है भाई, सब बटन से, कोई न्यू को न्या उन करिए, उन ऊपर करिए, उन नीचे करिए, बटन तो हुआ सब कुछ, सारी चीज है। बटन से जितने आरपीएम चाहो आप बटन से सेट कर सकते हैं। बताइए वो बताऊंगा ना वो चीज, एक एक मीटर की एक एक वो बता। ये डीसीबी वाल अच्छा है इसमें भाई साहब, यही पे लिए और डीसीबी वाल के सभी के दो के ये दो के ये दो के ये ये पीटीओ का लीवर अपना बटन से ही चलाएगी। ये हाथ वाली रेस है वाह जी, ये लिफ्टोमेटिक अपना, ये तो बोल रहे ना रोटी ना खा रहे, डिफेंसर लॉक चारों टायरों का, ये वाला ये स्टीयरिंग एडजस्टेबल है अपना, पंजाब का है फोन वाला जी की वीडियो बोल रहा है, जहाँ चाहो अपना एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पर आरामदायक महसूस करो वहाँ जी। वाह क्रोम वाला ये दिया गया है अपना, ये न्यू लैंड का लोगो, क्रोम वाला लोगो भाई। पावर स्टल है सबसे मेन बात, पावर स्टल भागते ट्रैक्टर को बगैर क्लच दबाए आगे पीछे रिवर्स फॉरवर्ड जहाँ चाहो वैसे कर सकते हो पावर स्टल के अंदर। पावर स्टल ब्रेक और पावर लो हाई मीडियम है यो, और एक मेन खूबी और ये लो से भी बिल्कुल नीचे चाल करनी है तो अपना ये लिए, और क्रीपर लो से भी बिल्कुल नीचे, क्रीपर से भी नीचे चाल है इसकी, एंड ब्रेक हो गया वाह जी वाह। एक बार लो जी आप सज्जन जी हैं ये हमारे, और बताते हैं बस राम राम सारे भैया ने, और एक बार इसको इंजन ये और दिखाइए मिस्त्री आइए, एक एक चीज बताइए बारे में जो लिंक वगैरह है ये, बिल्कुल बड़ा ट्रैक्टर है पीछे से स्टेट एक्सल के अंदर है ये ट्रैक्टर, और जो लिंक है किस तरह बढ़ेगी ये देखो जी लिंक, हाँ ये ऑटोमेटिक है, इसके अंदर यदि हमने कोई इम्प्लीमेंट में ये छोटी पड़ रही है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, और इसको अंदर की तरफ डाल दो अपने उसी साइज में, तो एडजस्टेबल है जो लिंक वगैरह भी है इनमें भी ऑप्शन दिया गया है बढ़ाने का, और ये अपना हिच के लिए जो खिंचाई के लिए मशीन वगैरह जो भी होगी, डबल जैक दिया गया है और ये वॉल वगैरह दी गई है, तो LED लाइट के साथ है, और पूरा ही कंप्लीट ट्रैक्टर, एक बड़ा ही हैवी ट्रैक्टर, बढ़िया हॉर्स पावर में 110 HP का ट्रैक्टर, जो कि जिस इम्प्लीमेंट में किसी तरह के कमर्शियल वगैरह या जो एक सीट है जो पहलवान जी का रहे थे ना रॉयल रोए वाली जो उदाहरण दिया था, तो ये देखो एक बार जो सीट पर इस साइड एक बार देखो, ये सीट ऊपर नीचे, ये अभी देखो ये नीचे आ गई, और ये अब देखो ऊपर, तो जो नाम दिया था पहलवान ने वो फीचर इसके अंदर देखो, एडजस्टेबल भी आगे पीछे, और इसके अंदर जो ऊपर और नीचे भी और बैक साइड की भी एडजस्टेबल है आगे पीछे किसी तरह आप वो करो, सीट बेल्ट भी दी गई इसके अंदर जो वो भी लगा के देखो, ये सीट बेल्ट इस तरह की, बड़ी हॉर्स पावर में जो सभी फीचर इस ट्रैक्टर के अंदर दिए गए हैं, यूरो 6 जो के न्यू होलैंड ट्रैक्टर कंपनी एक ऐसी है जो कि किसान भाइयों के लिए एडवांस फीचर जो आने वाला कल है वो पहले से उसी मॉडल पे काम करके और फील्ड में उतार देती है, इसी तरह का उदाहरण है जो कि यूरो 6 आज तक किसी कंपनी का इस तरह का ट्रैक्टर नहीं होगा, आपको डीजल के साथ जो कि एक नॉर्मल वो दिखाई देना यूरिया वो इसके अंदर डलता है, वो टैंक के साथ दिया गया है, बैटरी बॉक्स वो साइड में दिया गया है, एक बारी का बोनट और खोल लिए, 105 वर्क मास्टर का नाम दिया गया है, नई सीरीज है एक्सल सीरीज है, जो यूरो 6 में जो नॉम्स आओगे वो सभी नॉम्स इसके अंदर दिए गए हैं उनको पूरा करता है, और ये बिल्कुल सील्ड ट्रैक्टर है, दिखा दे आपको डीजल
ये आगे इंटरकूलर दिए लगे हैं भाई, एयर जो अपना ये दिया गया इंटरकूलर, ये पावर स्टीयरिंग का अलग से है, पावर का ये वाला, डीजल का, पावर का ये और डीजल का ये। तो इंटरकूलर वगैरह दिए गए आगे, सेट है सभी चीज़ें, अंदर ही जो इसका एयर क्लीनर है वो भी फिक्स है इसके अंदर दिया गया है। जो तो एक नई टेक्नोलॉजी का बढ़िया पावर के अंदर जो मॉडल है, चाहे आप इसको एग्रीकल्चर में या कमर्शियल में जो भी यूज होगा, बड़ा हैवी पूरा भाई, बोनट है, मिस्त्री भी ऊपर उठ गया था एक फुट। तब हैवी ट्रैक्टर भाई है इसकी, जो किसान भाई ने जो ट्रैक्टर लिया उसके साथ अगली वीडियो आएगी और डिलीवरी देते समय आपको दिखाएंगे अपने 9000 ट्रैक्टर हरियाणा का, जो पहले डीलर जो 110 HP के ट्रैक्टर की डिलीवरी देंगे भाई कल, और किसान भाई के साथ और डीलर के साथ आपको सभी जानकारी पल पल की वो दी जाएंगी। तो अगली वीडियो के साथ बने रहने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।